हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार दास ऑन जेडी स्टॉप फिर एक बार आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, आपका नर्सिंग ऑफिसर। सो फ्रेंड्स, आप हॉस्पिटल गए होंगे या फिर किस वजह से आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए होंगे कभी, तो वहां क्या क्या किया गया होगा ना, आपके हाथ में एक सुई लगाया गया होगा। तो इस सुई को हम बोलते हैं वेंट्रल बोलते हैं या फिर पेरिफेरल वेनस कैथेटर बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ये वेंट्रल क्या होता है, इसका काम क्या है, और इसे आप अगर आपके हाथ में लगा है और फिर आप घर जाते हैं तो इसका केयर आप घर पर कैसे ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह का वीडियो आपको पसंद है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर दबा दीजिए और मेरा चैनल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये जो वेंट्रल के बारे में मैंने बोला, इसको हमारे हाथ में क्यों लगाया जाता है, ताकि उसके जरिए हमारे शरीर में या फिर खून में जो इंजेक्शन सलाइन ये वगैरह दे सके, और कभी कभी तो उसके जरिए हमारे शरीर के अंदर खून भी दिया जाता है। तो ये वेंट्रल का यही मतलब काम है, इसके जरिए हम ये सब काम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कई तरह के वेंट्रल होते हैं, डिफरेंट साइज के वेंट्रल होते हैं और इसका कलर भी अलग अलग होता है। तो कभी कभी आपके हाथ में ब्लू वाला, पिंक वाला या फिर ग्रीन वाला, ऐसे कभी कभी वेंट्रल लगाया गया होगा। सो ये तो हमारे मतलब जैसे कि मेडिसिन इंजेक्शन सलाइन ये वगैरह देने के लिए वेंट्रल लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं एक बात बताऊंगा, अगर किस वजह से मतलब किसी अस्वस्थता के कारण आप हॉस्पिटल में जाते हैं और एडमिट होते हैं, तो वहां क्या करते हैं कि आपके हाथ में ये वेंट्रल तो एक लगेगा ही, और जब आप डिस्चार्ज होते हैं तब क्या करते हैं, वो वेंट्रल निकाल देते हैं, और जब आप हॉस्पिटल में रहते हैं तो उसी का केयर आपके मतलब हॉस्पिटल में जो नर्सिंग ऑफिसर होंगे वो उसका केयर लेते हैं, आपको वहां कुछ नहीं करना पड़ता है अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होकर रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई इन्फेक्शन के वजह से आपको बुखार है, आप हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर ने आपको बोला पांच दिन तक आपको एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लेना है, तो आप तो सिर्फ एक इंजेक्शन लेने के लिए हॉस्पिटल में तो एडमिट नहीं हो गए, तो ये तो डॉक्टर भी नहीं बोलेगे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, तो आपको डॉक्टर क्या बोलेगे कि ये एक वेंट्रल लगा देते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप घर चले जाइए और कोई भी नजदीकी हॉस्पिटल या फिर स्वास्थ्य केंद्र में आप ये इंजेक्शन रोज आकर सुबह या शाम को लेना है वहां पर। तो आप क्या करते हैं, वो वेंट्रल वहां पे हॉस्पिटल में लगा लेते हैं और फिर घर चले जाते हैं। सो फ्रेंड, आप घर तो चले जाते हैं, फिर आपके मन में बहुत सारे सवाल आता है, अरे ये क्या चीज मेरे हाथ में लगा दिए है, और इसके अंदर सुई है कि शायद इसके अंदर एक सुई है, तो इसको मैं कैसे रखूं, कैसे केयर करूं, तो मुझे क्या करना चाहिए जिस वजह से इसको ठीक से मैं रख सकूं। तो ये कई तरह के सवाल आपके मन में आता होगा। सो फ्रेंड, ये सारे सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, ध्यान से सुनिए और वीडियो को पूरी तरह देखिए, स्किप मत करना, ठीक है। सो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, आप जो पहली बात है कि आप जो सोचते हैं कि इस वेंट्रल के जरिए आपके मतलब हाथ के अंदर एक सुई रह गया है, शायद एक सुई है, वो पूरी तरह से भ्रम है। मतलब कोई किस तरह का सुई आपके अंदर नहीं रहता है, वो सिर्फ एक प्लास्टिक का एक मतलब पतला सा एक प्लास्टिक का पाइप है जो आपके मतलब वेन के अंदर रहता है। सुई जो है, जो आपके हाथ में जब जिस वक्त लगाया जाता है उसी वक्त वो सुई को निकाल लिया जाता है। मतलब ये धारणा आपके मन से निकाल दे कि उसके अंदर कोई सुई है। और रही बात, आप डरिए नहीं, ये कोई मतलब एक साधारण चीज है, आपको कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको कैसे आप ठीक से रख सके, ठीक है। और अभी मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, अगर आप घर पर रहते हैं, आपके हाथ में एक वेंट्रल लगा है, तो आपको क्या करना है, किस तरह का केयर आपको लेना है, आप खुद ले सकते हैं, इससे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी जानकारी आपको चाहिए इसको आपको कैसे केयर करना होगा। सो फ्रेंड्स, पहले तो मैं बता दूं, अगर आपके हाथ में एक वेंट्रल या फिर पेरिफेरल वेनस कैथेटर जो भी हाथ पे आपको लगा है, वो आप
3 से 4 दिन तक रख सकते हैं हाथ में। अगर उसी बीच आपके हाथ में कहीं पे मतलब जैसे लाल पड़ जाना, रेडनेस हो गया, दर्द होता है, जलन होता है या फिर मतलब स्वेलिंग हो जाता है, इस तरह का कुछ होता है, तो आपको यह चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है या फिर आपको चेक करना है कहीं इस पे रेडनेस तो नहीं है, कहीं ये मतलब पेन तो नहीं हो रहा है, कहीं ये मतलब स्वेलिंग तो नहीं है, ये सारे चीज आपको मतलब चेक करना है, दिखते रहना है सर। और एक बात है कि आपको वो जगह जिस जगह पे वेंटिलेशन लगा हुआ होगा उस जगह को मतलब क्लीन रखना है और ड्राई रखना है, और पानी तो बिल्कुल वहां पे नहीं लगाना है। ये एक चीज हो गई, आपको ड्राई रखना है, क्लीन रखना है और पानी मत लगाना है। और दूसरी बात है कि जैसे कि आपके हॉस्पिटल में जैसे आपके हाथ में वो वेंटिलेशन फिक्स किया गया होगा तो उसी को बरकरार रखना होगा, मतलब उसी को ऐसे मतलब कुछ मूवमेंट नहीं करना, आपके जिस हाथ में मतलब वेंटिलेशन लगा है उसको ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है। तो इससे क्या होगा ना, आपका जो वेंटिलेशन फिक्स हुआ होगा वो बरकरार रहेगा, तो उसको हमको बरकरार रखना है। और एक महत्वपूर्ण बात फ्रेंड्स, इसको आपको ध्यान में रखना है, वो जो वेंटिलेशन है उसका दो पार्ट के बारे में मैं बताऊंगा। जो ऊपर वाले हिस्से में एक कलर का जैसे ब्लू हो, पिंक हो या फिर जो भी कलर हो, वो कलर वाले हिस्से पे एक मतलब वो कैप के तरह रहता है जिसको हम इंजेक्शन पॉट कैप बोलते हैं। तो उसको क्या करना है, आपको खुला नहीं रखना है, उससे क्या होता है आपका मतलब इन्फेक्शन भी हो सकता है और कभी तो कभी खून भी निकल सकता है। तो उस कैप को आपको बंद करना है। और लोअर पार्ट में एक व्हाइट वाला कैप है, तो उसको लोअर कैप है जो उसको भी आपको बंद करना है। इसको आपको ध्यान रखना है कि वो ठीक से बंद है कि नहीं, तो आपको इसको घुमाकर इसे बंद कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, अगर वो खुला रह जाता है तो इससे ब्लड आने की संभावना है। सो इससे दूर रहने के लिए आपको ये वेंटिलेशन की ये दो पार्ट को ध्यान में रखना होगा, ये बंद रहे, ठीक है। और फिर जब आपको इंजेक्शन लेने का मतलब डॉक्टर जब बोले हैं आपको इंजेक्शन लेने के लिए, तो आप कहीं पे भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या हॉस्पिटल में जाके आप वो इंजेक्शन कोई भी मतलब ट्रेंड पर्सन से आपको इंजेक्शन लेना है, खुद कभी नहीं लेना है, या फिर अनट्रेंड पर्सन से कभी नहीं लेना है, जो पर्सन अभिज्ञ है इस बारे में उनसे इंजेक्शन लेना है। सो फ्रेंड, और इस तरह से आपको इंजेक्शन लेना है। अगर आपको ध्यान रहे ये चीज हर बार चेक करना है, रेडनेस, स्वेलिंग, दर्द, ये चीज आपको होती है क्या उस जगह पे, अगर होती है तुरंत ही आपको वो वेंटिलेशन को बदलना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपका डोज कंप्लीट हो जाता है या फिर आपका जो इंजेक्शन बताए थे डॉक्टर ने सब सारे इंजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो फिर वही आपको भी वही स्वास्थ्य केंद्र जाकर या फिर नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर आपको कोई अभिज्ञ पर्सन को बोलना है इसको निकालने के लिए, तो सही तरीके से वो निकल लेंगे। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको मतलब कोई डरने की कोई बात नहीं है, ये जस्ट एक सिंपल सा मतलब प्रोसीजर है जिससे हम इंजेक्शन सलाइन ये वगैरह देते हैं, आपको कोई डरने की बात नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जानकारी काम आएगा, और आप इस जो मैंने जो सब चीज बताया ये आप अपने जीवन में मतलब कभी भी आपके साथ ऐसा कोई वेंटिलेशन लगता है तो आप इसको काम में लगाएंगे और डरेंगे नहीं। सो वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक मारो और शेयर करो, धन्यवाद।